Assalamualaikum. I hope everyone is doing great. Welcome to another video. आज मेरे यार की शादी है. Sounds bit musical ना. तो one of my friend is getting married. मेरा childhood friend है. We have spent some amazing quality time during our childhood. अब कुछ काफ़ी अरसे से मिलना नहीं हुआ, पर जो बचपन की दोस्ती है, उसका जो एहसास होता है, जो इज़्ज़त होती है, और बेगर्ज एक रिश्ता होता है, खूबसूरत सा रिश्ता बिना किसी कर्ज के. सो जब मुझे पता चला माई फ्रेंड इज़ गेटिंग मैरिड, आई गॉट द इन्विटेशन. आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. और उस जगह जाने के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी एडवेंचरस जगह पे रहते हैं. एंड वी हैव पास थ्रू, वी हैव टू गो थ्रू द वन ऑफ द हाइस्ट, वन अमंग द हाइस्ट पासिस इन कश्मीर, जिसका नाम मरगंडा पे कुछ 12,000 से भी ज़्यादा ऊंचाई की हाइट पर है. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट माई फ्रेंड. आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ द वेडिंग. तो अपने दोस्त की इस खूबसूरत से दिन में शामिल होना, आई एम रियली एक्साइटेड. सो गाइज, लेट मी टेक यू टू दिस अमेजिंग जर्नी. लाइक गेट दिस ब्यूटीफुल डे स्टार्टेड. मैं अपनी गाड़ी बोर्ड करूंगा अपने दोस्त की शादी के लिए. तो मेरा ड्राइवर वेट कर रहा था काफी टाइम से. वी आर गेटिंग लेट, सो लेट्स गो ब्रो. चलें भाई, खोलो खोलो, खुल नहीं रहा. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? चले कितना टाइम लगेगा यहाँ से? यहाँ से लगेंगे कम से कम 3 बजे हम पहुंचेंगे. 3 बजे शादी मेरे दोस्त की एक स्पेशल डे है, खास दिन है. इसी तरह मैं एक ज़बरदस्त जगह से गुजर रहा हूँ. बींग एन एडवेंचरस पर्सन, नो आई लव टू एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ प्लेसेस. इस जगह का नाम मरगंडा है, और मेरे दोस्त के घर के जाने के लिए हमें ये पास क्रॉस करना है, जिसकी कुछ हाइट 12,000 से भी ऊपर की है, 12,000 समथिंग फीट अबो द सी लेवल. तो इस जगह का नाम मरगंडा है, ये पास हमें क्रॉस करना है. कश्मीर के वन अमंग द हाइएस्ट पासिस में आता है, आप देख सकते हैं. वाह, रास्ते में हम्पी रोड्स मिले, नींद आई बीच में, बट दिस एनवायरनमेंट इज़ रियली नो बजिंग. पूरा फुल एनर्जी, एक्साइटमेंट इज़ देयर एज ऑलरेडी यू नो. आई एम रियली नो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई फ्रेंड, उसकी शादी है, एंड उसके ऊपर से इतना खूबसूरत सा नज़ारा, दिस इज़ अमेजिंग. जस्ट चेक आउट गाइस. एक लंबे सफ़र के बाद मैं अपने दोस्त की शादी के लिए आ पहुँचा हूँ. अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक मिला नहीं, नो इट्स फुल क्राउडेड. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट माई फ्रेंड. ये सब हम उसी के दोस्त हैं, अलग अलग नो जगहों से हम आए हैं. तो मेरा दोस्त वहाँ पर बैठा है, इज़ नो रेडी फॉर गेटिंग रेडी फॉर पेडिक्योर और एक हेयर कट के लिए. इज राइट देयर इफ यू कुड सी, आई डोंट नो यू एबल टू सी आर नॉट, क्योंकि लाइट भी बड़ी काम है. और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने दोस्त को मिलने के लिए, और उसकी खूबसूरत सी दिन के लिए. वी आर रियली एक्साइटेड. भाई फाइनली मैं अपने दोस्त से मिलूंगा काफ़ी अरसे के बाद. यहाँ पे फुल क्राउड था अभी तक, तो लोग चले गए हैं. रात के 12 बजे का वक्त उनका. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम. मुबारक हो. खैर मुबारक, अल्लाह आपको भी एक खुशी जल्दी नसीब फरमाए. आमीन आमीन. माशाल्लाह क्या लग रहे हो. मिलने के बाद दुल्हा से हमें मौका मिला नज़दीकी से बैठने का. अभी मैं अपने भाई को चमका रहा हूँ, मसाज कर रहा हूँ, कल इसकी शादी है. तो मेरी गोद में बैठा है जैसे बचपन में बैठता था,
मसाज कर रहा हूँ, नहीं सुसु नहीं कर रहा था, ही वाज अ गुड गाय। तो शरीफ बच्चों की तरह बैठा है, बट आई थिंक ही इज स्टिल अ गाय, गुड गाय। यू आर सेइंग दैट ही वाज अ गाय, ही इज अ गाय, ही इज अ मैन। सो टुमारो ही इज गोइंग टू अनाउंस हिज, no I won't say that, but he is a man. ठीक है, क्या ये अनाउंस करने वाला है ये? डेफिनेटली मैंने, भाई बता दे मैन है कि नहीं है? अभी पता नहीं है मुझे। ओ कमाल, ये पब्लिक देखने वाली है। अभी मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ, अब कल ही पता चलेगा इंशाल्लाह। अब गाय से नहीं गे बन गए। यहाँ मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ हैं जी, बहुत ही बुरे हैं, बुरे हैं। हाँ, लोग बड़े बुरी नजर है इनको। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी गलत बात है। नहीं भाई को भी फोकस कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात है? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, इधर वाले भाई को भी हाँ है। इनकी शक्लों से पता चलता है कि इनकी नीयत कितनी बुरी है। अस्तगफिरुल्लाह, दुल्हे साहब ऐसा नहीं कहते हैं, कल आपका बर्थडे खामोश हो जाएगी। मैं जालिब भाई से पूछने वाला हूँ कि ये जो एलिगेशंस लगा रहा है ये सच है कि झूठ है? ये तो एलिगेशन इसकी बहुत खराब है अपने लिए, क्योंकि इसकी नजर थोड़ी सी बहुत बुरी रही बचपन से। अब तो मैं बहुत अरसे के बाद मिला, मुझे लगता है वैसी ही अभी भी नजर। नजर तो मेरी बचपन से ही कमजोर, बिल्कुल सीधा ही देखता था और एनएक्स से देखता है हमारी तो माशाल्लाह पहले से। काफी टाइम दुल्हे ने लगाया तैयार होने के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? नमल जा रहे हैं, उनके ससुराल जा रहे हैं, तो निकाह के लिए हम जा रहे हैं। 2:30 बजे का वक्त होना चाहता है और दूल्हा दूसरी गाड़ी में गया, वी आर फॉलोइंग हिम। तो अभी निकाह खानी होगी, खाना होगा सादा ही रखा इन लोगों ने कि नहीं? बुरा है ऑफ निकाह सेरेमनी। वकील और शहादत जो भी हैं वो आए हैं, वो कैमरा के साइड आप देख सकते हैं। इमाम साहब आए हैं तो निकाह भी शुरू हो जाएगा। रूफ साहब, मास्टर गुलाम हैदर लोन साहब पोर तुहद निकाह मंद नाव शुबिया हैदर, क्या तुम करो कबूल? करो कबूल। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. حسب بھائی مبارك شو سر تو دیشو مبارك یار کو آباد سر تو شو مبارك مبارك रुखसती का वक्त है। पीछे से आप देख सकते हैं लड़कियों की विदाई हो रही है और इस जर्नी की, इस सफ़र की इख्ताम भी हम इसी के साथ करते हैं। आई केम हियर टू अटेंड माई फ्रेंड्स वेडिंग, स्वीट के साथ इख्ताम करते हैं। तो आई हैड रियल फन, तो टाइम टू गो होम। दोस्त का निकाह हो गया, रवानगी भी हो गई, लड़कियों की रुखसती हो गई, सो आई हैड रियल फन। ही इज़ माई फ्रेंड मोहसिन विद मी, सो वी आर जस्ट हेडिंग टू होम नाउ। वी नीड टू बोर्ड आवर बस फॉर साउथ कश्मीर देन टू श्रीनगर, सो आई हैड रियल फन। नो अपने बचपन के दोस्त की शादी को बींग देयर हैड फन, डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ कल्चर, इट्स वेरी डिफरेंट हाउ दे सेलिब्रेट देयर मैरिज। जो भी रस्म है थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं हर किसी जगह में, अपने अपने इलाके का समाज का असर होता है अपनी रस्मों में। जी बिल्कुल, सो वी हैड डिफरेंट एक्सपीरियंस, दोज हम्पी राइड्स,
crossing through the highest pass, one among the highest pass in Kashmir, that was Margan Top. That was a different experience. So guys, that is it. I hope you enjoyed the video. Keep supporting, that keeps me motivated to make new stuff for you. Until next time, with a different place and with a different video, as we say in Kashmiri, Bhi Khuda Sabar.